अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। तो कल हमने जो है हमारा जो कल प्रीवियस लेक्चर था वो था हमारा माल न्यूट्रिशन और अंडर न्यूट्रिशन के बारे में। ठीक है, वो आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा, मैंने दिया था अच्छे से। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डिफिशियंसी डिजीज के बारे में। आप सबको पता होगा कि डिफिशियंसी क्या होता है। डिफिशियंसी का मतलब होता है कमी होना। ठीक है, किसी चीज़ की जब कमी हो जाता है तब उस वहां पे हम कौन सा टर्म यूज करता है, डिफिशियंसी टर्म यूज करता है। डिजीज तो आप लोगों को पता है, जब हमारे बॉडी में कोई एबनॉर्मल यानी डिसऑर्डर्स पैदा होता है, ठीक है, जिसका बहुत सारा सिम्टम्स होता है, वही डिजीज होता है। ठीक है, अ डिजीज इज एन ऑड कंडीशन दैट अफेक्ट द बॉडी ऑफ अ लिविंग बींग। यानी ये जो है ऑड कंडीशन, हमें ऑड कंडीशन कहने का मतलब है रेगुलरली नहीं होता, यानी इरेगुलर, यानी हर दिन वो चीज़ नहीं होता जो होना चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल डिजीज जो है हर दिन नहीं होता, कुछ किसी दिन होता है, इसके बाद जो है फिर से वो डिजीज क्या हो जाता है, चला जाता। दैट अफेक्ट द बॉडी ऑफ ए लिविंग बींग, यानी वो डिजीज क्या करता है, ये ऑड कंडीशन में आता है और वो हमारे लिविंग बींग्स के, या मानी ह्यूमन बींग्स बोलो, किसी भी लिविंग बींग्स, ठीक है, जो जानदार चीजें होता है, हालांकि उनमें प्लांट्स भी इंक्लूड होता है। ठीक है, लिविंग बींग्स के अंदर जब को उसके बॉडी को जो है वो अफेक्ट करता है, उसी चीज को क्या कहता है, डिजीज कहता है। डिजीज ओकर लार्जली ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ वन और मोर न्यूट्रिएंट इन द डाइट वाइल लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। बहुत सारे टाइम न्यूट्रिएंट की जो है कमी होने की वजह से, डिफिशियंसी होने की वजह से, एक या एक से ज्यादा न्यूट्रिशन, फॉर एग्जाम्पल कार्बोहाइड्रेट बोलो आप, कार्बोहाइड्रेट अगर डिफिशियंसी हुए तो उसके वजह से भी होगा। कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन तीनों को अगर लें तो उनका अगर डिफिशियंसी हुआ तो तब भी डिजीज होगा। ठीक है, वन और मोर न्यूट्रिएंट का यही मतलब है। जब हमारे खाने में इन सारे न्यूट्रिएंट्स की जो है जब कमी पड़ता है, लार्जली ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ वन और मोर न्यूट्रिएंट, ठीक है, इन सब की जब हमारे फूड के अंदर, हमारे डाइट के अंदर कमी हो जाता है तो हमें क्या आता है, यही डिजीज होता है। फॉर एग्जाम्पल व्हीट एंड राइस आर रिच इन कार्बोहाइड्रेट। फॉर एग्जाम्पल व्हीट आप सब जानते हैं, राइस बोलो, उनके अंदर जो है कार्बोहाइड्रेट की जो कंसंट्रेशन से वो हाईली होता है, ज्यादा होता है, रिच होता है। बट पुअर इन अदर न्यूट्रिएंट एंड फैट, दूसरे न्यूट्रिएंट, प्रोटीन, विटामिन्स जो दूसरे हैं या फैट है, ठीक है, उनके कंसंट्रेशन इसके अंदर बहुत ही कम अमाउंट में होता है। अ लॉट ऑफ इनटेक ऑफ दिस प्रोडक्ट ओनली रिजल्ट इन अ डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन। अगर आपने इस चीज को, ठीक है, जैसे व्हीट और राइस आपको कहा है, इनका जो है इनटेक ज्यादा कर लिया, इन प्रोडक्ट का इनटेक ज्यादा कर लिया, तो आपको क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट तो आपको मिल जाएगा, ठीक है, लेकिन प्रोटीन्स और जो फैट होता है दूसरे न्यूट्रिएंट्स है, उनका जो है क्या हो जाएगा, आपके बॉडी के अंदर डिफिशियंसी हो जाएगा, कमी पड़ जाएगा, विच स्लो डाउन ग्रोथ, और वो आपके ग्रोथ को क्या कर देगा, स्लो कर देगा, बढ़ने नहीं देगा, स्टन कर देगा। ठीक है, सो टू अवॉइड डिफिशियंसी डिजीज वन मस्ट ईट अ बैलेंस्ड डाइट। तो हमें डिफिशियंसी डिजीज से बचने के लिए क्या करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा बैलेंस्ड डाइट खाना चाहिए। यानी बैलेंस डाइट पता है ना सबको, वो डाइट खाना चाहिए जिनके अंदर प्रॉपर अमाउंट में सारा न्यूट्रिएंट प्रेजेंट हो। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, फॉर एग्जाम्पल डिफिशियंसी डिजीज से हमें बहुत सारे डिजीज हुए। सबसे पहला डिजीज जो हमारे में ज्यादातर जो प्रोटीन की जो कमी की वजह से होता है वो है सबसे पहला। अब नेक्स्ट देखिए, आपका जो है ये डिजीज है, ठीक है, डिफिशियंसी डिजीज, मैंने कहा कि प्रोटीन की वजह से, जो हमें प्रोटीन के डिफिशियंट की वजह से हमें हमारे अंदर कॉस होता है। तो ये डिजीज का नाम देखिए, KWASHIORKOR, इसको कैसे प्रोनाउंस करना है, इसको कहना है कौशियोरकर, ठीक है, कौशियोरकर। द चाइल्ड में सफर फ्रॉम कौशियोरकर इफ द प्रेग्नेंट मदर डाइट इज प्रोटीन डिफिशियंट। देखिए, सबसे पहले ये चाइल्ड के अंदर जो है ज्यादा इस डिजीज का जो है प्रेजेंस होता है। क्यों? क्योंकि जब उसके माँ क्या करता है, जब बच्चा जो है बैली के अंदर होता है या माँ के पेट में होता है, तब जब अगर माँ को उस बच्चे के माँ को अगर उसने जो है उसके प्रेग्नेंट के टाइम पे अगर उस मादर के अंदर प्रोटीन की डिफिशियंट हो गया, यानी उसने ऐसा डाइट खाया जिसके अंदर प्रोटीन की डिफिशियंसी हो, ठीक है, प्रोटीन की डिफिशियंसी हो, तब उसके बच्चे के अंदर क्या आ जाता है, यह कौशियोरकर डिजीज आ जाता है। समझ आया ये किससे आता है?
जब प्रेग्नेंट मदर जो है उनका खाने में जो है उसके खाने में जो है प्रोटीन की जब डिफिशियंसी होता है, यानी प्रोटीन डिफिशियंट वाला खाना जब वो खाता है, तब चाइल्ड के अंदर ये चला जाता है, इनहेरिट होता है। ठीक है, द सिम्टम ऑफ दिस डिजीज आर एज फॉलो। इसके बहुत सारे सिम्टम्स हैं। ठीक है, सबसे पहला देखिए स्टंटेड ग्रोथ। स्टंट ग्रोथ यानी स्टंटेड ग्रोथ का मतलब होता है आपके ग्रोथ जो है बढ़ता नहीं है, यानी रुक जाता है, आप छोटे रह जाते हो। ठीक है, और सेकंड देखिए स्वेलिंग ऑफ फेस इन लिम्स। आपके फेस और लिम्स का जो है क्या होता है स्वेलिंग हो जाता है। स्वेलिंग का मतलब होता है फैलने लगता है। ठीक है, डिसकलरेशन ऑफ हेयर। हेयर की डिसकलरेशन होता है। डिसकलरेशन का मतलब होता है आपके कलर में जो ब्लैक कलर होता है आपके बाल, उन कलर के उस कलर के अंदर क्या आ जाता है, डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, चेंज आ जाता है। थिनिंग ऑफ लेग्स एंड प्रोट्रूडिंग बेली। थिनिंग ऑफ लेग्स का मतलब होता है यानी आपके लेग्स बहुत ही पतला हो जाता है, और प्रोट्रूडिंग बेली होता है, प्रोट्रूडिंग का मतलब होता है यानी बाहर निकल के आ जाना। ठीक है, बेली होता है आपका स्टोमक, यानी जब आपका पेट बाहर निकल के आता है। ठीक है, तब आपको क्या होता है, तब आप समझ लेना कि ये किसके सिम्टम्स है, क्वाशोरकर के सिम्टम्स है। ठीक है, तो आज हम जो है यही तक अपना टॉपिक को यही पे स्टॉप करेंगे, और मैं आप लोगों को लास्ट में कुछ होमवर्क दे रहा हूँ और आप लोगों को दिखा भी दूंगा कि एक डायग्राम्स के थ्रू की कैसे, यानी क्वाशोरकर जो जिसको होता है वो कैसा होता है, वो किस तरह दिखता है, आपको मैं एक डायग्राम्स भी लास्ट में दे दूंगा। और तब तक के लिए खुदा हाफिज, और कल के लिए हम फिर से एक लेक्चर लेके आप लोगों के सामने हाजिर होंगे। तो खुदा हाफिज एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फर्दर स्टडीज़।